गुड मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं पूनम, ये हमारे पति देवराज। खुद तो इंटरव्यूज नहीं कर देंगे मैंने। और यहाँ पे हम उठ चुके हैं, टाइम हो रहा है 7:00 बज गया कि हम रात जल्दी सो गए थे। और मैंने रात गुड मॉर्निंग भी नहीं बोला, सॉरी रात मैंने गुड नाइट भी नहीं बोला, ऐसे नींद मतलब आ गई टाइम से। कब बोल दो गुड नाइट। और यहाँ पे दक्ष भी टाइम से सो गया था रात और उठ भी गया है, वरना ये सोता है 3 बजे 4 बजे 5 बजे, लेकिन रात तो ये सो गया था, इसलिए इतने इसने हमें परेशान नहीं किया। बाहर दिखाती हूँ, एक और बच्चा है जो मुंह धो रहा है, सौरभ। अब ये लेना जाए, अब मेरे आएंगे भाभी भैया, दक्ष के मामा मामी, पहली बार फर्स्ट टाइम हमारे घर। छोटी है अब तो, ये मत गए अंदर पैर, यहाँ पे मैं जूती लाई थी, अब थोड़ी खुलेगी तो ये भाई से। जब कल पूछ रही थी मैं, जब तो तूने ये बोला, सुंदर सुंदर पैर। अब ये जा तो रहे हैं, वो एकदम तो भेजेंगे नहीं। दक्षु बच्चा, हाँ कहाँ जा रहे हो तुम, ये कहाँ जा रही है, नहा के क्या करेगी। टाइम हो रहा है 10 और आज मेरा सारा काम हो गया है, नहाना धोना भी हो गया है। बाकी अभी मेरी बहन गई है भाभी के, क्योंकि मेरी बहन, क्योंकि हमारे घर पहली बार आएंगे मेरे भाई भाभी, मतलब भाई तो आ चुका है, भाभी पहली बार आएंगे, उनके अभी मैरिज हुई थी, तो उनके लिए अब मैं बना लेती हूँ थोड़ा बहुत कुछ खाना, बाकी तभी बनाएंगे जब वो आएंगी। तो मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। आज अब मैं बना रही हूँ प्याज के पकौड़े, पनीर के, और आज मैं कुछ नया बनाऊँगी, कल के दिखाऊँगी आपको गाइस ये कैसे लगते हैं और इसको कैसे फ्राई किया जाता है। यहाँ पे अब मैं मकेन के वेजी फिंगर्स चील फ्राई कर रही हूँ, तो मैं आपको दिखाती हूँ ये है वो, और फ्राई करते हुए भी दिखाऊंगी, आप देखिए गाइस ये बहुत ही टेस्टी होते हैं मकेन के वेजी फिंगर्स, और मैं इन्हें सेकंड टाइम ट्राई कर रही हूँ। और इन्हें मतलब फ्राई करना तलना बहुत आसान है, मैंने गरम तेल लिया है, तेल ले सकते हैं आप मस्टर्ड, मतलब वही तेल ले सकते हैं, और रिफाइंड ले सकते हैं, मैंने रिफाइंड यूज़ किया है, और इन्हें मतलब गरम तेल गरम रिफाइंड करके मैंने इसमें डाल दिए हैं। उसके बाद इन्हें हल्के हल्के हाथों से मतलब पलटना होता है, ताकि ये इनके अंदर बहुत ही सॉफ्ट होते हैं और ये टूट जाते हैं, इसलिए बहुत ही आराम से आपको इन्हें पलटना है, और ब्राउन होने के बाद इन्हें निकाल देना है। और ये भी है कि आप अगर कोई आपके घर मेहमान आ रहे हैं, इसे मंगाते हैं, तो अच्छा स्नैक है नाश्ते के लिए, बहुत अच्छी चीज़ है ये, खाने में भी बहुत ही टेस्टी है, तो आप भी जरूर ट्राई करना है इसको। और मैंने मकेन के चीजी सॉल्ट्स भी ट्राई किए हैं, ये भी बहुत टेस्टी हैं। ये है मेरी नई भाभी, शकल तो दिखा दो। और ये मेरी नई भाभी है, अरे यहाँ पे दक्षी है, पप्पू है, पप्पू जिसे हम प्यार से पप्पू बोलते हैं। यहाँ पे देखो पूरे टाइम चढ़ती रहते चटोरी, खाना नहीं खा रही, खाना नहीं खा रही, खाना क्यों पैक करके ले जाएगी क्या, मटर पनीर तो बना आगे बैठी है रेखा, दक्षु की मौसी। हाय गाइस, आम खा लो, अभी इसने आइसक्रीम खाई है, अब ये आम खा रही है, बताओ पहले ठंडा फिर गरम, इसके निकलेंगे फुंसी।
मेरे को बहुत पसंद है ना आम, इसलिए इतना इतना कर सकती हूँ। अच्छा अभी हमारा खाना पीना हो गया, दक्षु की मौसी और मामा मामी जा चुके हैं। आज बाहर का मौसम भी बहुत अच्छा है, तो वाह कितना अच्छा मौसम हो रहा है। हम सोच रहे हैं बाहर जाएंगे अभी, थोड़ा घूम के आते हैं, तो दिखाती हूँ मैं दक्षु क्या कर रहा है। फुट का कह रहे हैं ना, बड़ा हो जाएगा। बड़ा है वो मोबाइल के लिए तो है। अभी हम मार्केट गए थे क्योंकि हमें ट्राईपॉड लेना था, ट्राईपॉड नहीं है हमारे पास, पर हमें समझ में नहीं आ रहा कि हम ऑफलाइन लें या ऑनलाइन लें, पता नहीं क्यों कभी लगता है ऑनलाइन ले ले, ऑनलाइन में ये समझ में नहीं आ रहा, हाइट की प्रॉब्लम है, पता नहीं कितना छोटा होगा। अभी ऑफलाइन देखने गए थे तो वो भी समझ में नहीं आया, है ना क्या? ऑफलाइन देखने गए तो ऑफलाइन में बिल्कुल भी क्वालिटी नहीं थी, ट्राईपॉड बहुत ज़्यादा चीप क्वालिटी का था, जिसकी वजह से हमने वहाँ से परचेज नहीं किया। अब हम सोच रहे हैं कि ऑनलाइन मंगाएं, अगर हम ऑनलाइन मंगाएंगे तो आप लोगों को बताएंगे हमने कौन सा ट्राईपॉड परचेज किया है। तो देखते हैं, अभी दक्ष हो गया था फिर हमने इसको भी उठाया है क्योंकि फिर ये रात को नहीं सोएगा इसीलिए, और खाना आज हमारा सुबह का रखा था तो मैंने रोटियां बनाई हैं, बस खाना पीना हो गया हमारा, अभी हम जा रहे हैं घूमने, तो मिलते हैं आपसे घूमने के बाद, बाय। अभी हम गए हैं और ये दाक्षी बैठा हुआ है, उसको मैंने बताया ना निकल के खाना दक्ष खेल खेल खेलते ही नहीं बच्चा, कितनी गंदी वीडियो आ रही है यार, क्वालिटी बिल्कुल ही है। बड़ा खाली खाली सा लग रहा है घर, सबकी याद आ रही है, मतलब घर में सबको याद आता है तो कितना अच्छा सा लगता है यार, फिर चले जाते हैं तो कितना बकवास लगता है। अभी मैं खा रही हूँ रस मलाई, क्या ये रस मलाई ना, हाँ ये रस मलाई है, रस मलाई खा रहे हैं। रेखा तेरे को मिस कर रहे हैं हम, क्योंकि तू खाते रहते हैं चट्टों की तरह, साथ में होते तो अच्छा लगता है, काश तो रुक जाती दो चार दिन, अच्छा लगता है। अब वही है फिर हम अकेले रह जाते हैं, किससे कितनी बातें कर रहे हैं आजकल, किसी के पास इतना टाइम भी नहीं होता है ना, इसीलिए मन भी नहीं लगता है। तो फोन करके बोल दो ना उसे डायरेक्ट, है क्या बोलो, डायरेक्ट फोन करके बोल दो ना। नहीं ब्लॉग नहीं बना रही हूँ मैं, अपनी फीलिंग जाहिर कर रही हूँ कि मैं उसे मिस, उस मतलब मिस तो मैं सभी को कर रही हूँ, उसको थोड़ा ज़्यादा मिस कर रही हूँ, और मेरी एक और बहन है उसका नाम पूजा है, उसे मैं मिस करती हूँ क्योंकि उससे तो मैं अपनी सारी बातें शेयर करती हूँ, अपना सुख दुख मैं उसी से बांटती हूँ। तो गाइज आज का ब्लॉग मैं यही समाप्त करती हूँ, कल फिर मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बाय, गुड नाइट। हिलने लगा।